आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिजिटल फिजिकल वेरिफिकेशन में जो क्लाइंट के रिजेक्शन के रीज़न हैं उसमें कंपनी ने मुख्यतः दो पॉइंट और ऐड किए हैं, उसके बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लिए BQMs को सेल्स ऐप का नया वर्जन अपडेट करना होगा, फिर लोन प्रोसेसिंग वाले टैब पर क्लिक करना होगा। डिजिटल PV वाले सेक्शन पर क्लिक करके CML या MBL सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर फिर उन्हें अपनी रेस्पेक्टिव ब्रांच सेलेक्ट करनी है। उसके पश्चात सामने जो ऐप ID है उसको सेलेक्ट करना है, जिसके कि वो फिज़िकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं। और फिर डिजिटल PV पर क्लिक करने के बाद इसका जो PV का पेज है वह ओपन हो जाएगा। इसमें हम मुख्यतः बात करेंगे जो रीज़न है उस लिस्ट की, रिजेक्शन रीज़न वाले लिस्ट की। यहाँ पर आप देखेंगे कि मुख्यतः ये सभी रीज़न है। अगर BQMs को इन रीज़न में से जो भी सूटेबल है, यानी कि जब उन्होंने PV के दौरान जो भी उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया है और यहाँ पे सूटेबल रीज़न के अकॉर्डिंग उसे चूज़ करके और उस केस का प्रॉपर रिमार्क अपडेट करके उसे सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे एज नॉर्म्स नॉट मेट और फेक KYC की। ये दो मुख्यतः यहाँ पर ऐड किए गए हैं। एज नॉर्म्स नॉट मेट का अर्थ ये है कि यदि क्लाइंट की जो एज है, एज क्राइटेरिया है, वह नए क्लाइंट के केस में मिनिमम 18 वर्ष तथा मैक्सिमम 55 वर्ष रखा गया है। यदि क्लाइंट इस एज क्राइटेरिया में नहीं आता है तो BQM उसे सेलेक्ट करके, यानी कि एज नॉर्म्स नॉट मेट को सेलेक्ट करके रीज़न एंटर करके सबमिट कर देंगे। और जो रिन्यूअल केसेस है उसके लिए जो एज क्राइटेरिया है क्लाइंट का, वह मिनिमम 18 ईयर्स यानी कि 18 वर्ष तथा मैक्सिमम 60 वर्ष है। यदि रिन्यूअल वाले क्लाइंट इस एज क्राइटेरिया में नहीं आते हैं तो वह इस ऑप्शन को चूज़ करके उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। तथा जो दूसरा ऑप्शन है वो है फेक KYC। यदि क्लाइंट अपनी जो KYC है वो फेक प्रस्तुत करता है या BQM फेक आइडेंटिफाइड करते हैं तो इस केस को BQM यहाँ से सेलेक्ट करके केस को रिजेक्ट कर सकते हैं प्रॉपर रिमार्क के साथ में। बाकी के ये सभी जो रीज़न हैं वो भी रिजेक्शन के रीज़न हैं, जैसे कि रेंटेड क्लाइंट, यदि कोई क्लाइंट रेंटेड है तो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। यदि किसी क्लाइंट का फेक बिजनेस है तो उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। किसी क्लाइंट का बिजनेस ही नहीं है तो उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। यदि क्लाइंट आधार कार्ड वाले एड्रेस पे नहीं रहता है तो उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। यदि दो लाइव स्टॉक से कम है तो केस रिजेक्ट कर सकते हैं। यदि क्लाइंट का मड हाउस है तो उसे केस को रिजेक्ट किया जा सकता है। यदि नेगेटिव प्रोफाइल वाले क्लाइंट है, जैसे कि पुलिसकर्मी, एडवोकेट्स, इन केसेस को रिजेक्ट कर सकते हैं। नेगेटिव एरिया वाले क्लाइंट्स को रिजेक्ट कर सकते हैं। और यदि क्लाइंट इंटरेस्टेड नहीं है तो भी इस केस को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो मुख्यतः ये हमारे रिजेक्शन के रीज़न हैं। धन्यवाद।